Let's show the girl power, guys. Keep it louder. I am unstoppable. I am unstoppable. I am invincible. I am invincible. I am confident. I am confident. And I will. I will. Win. Win. Every single game. Every single game. मैं नारा नहीं देना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस अंत में इतना कहना चाहती हूँ कि उसकी बूंद सी होती है बेटियाँ, पिता को कोई दर्द हो तो रोती है बेटियाँ, अरे धकेले जाते हैं बेटे की पढ़ो और पढ़ जाती है बेटियाँ, रोशन करेगा बेटा तो सिर्फ एक कुल को, दो दो कुलों की लाज होती है बेटियाँ, दो दो कुलों की लाज होती है बेटियाँ। तो आज से मैं आप सबको एक जिम्मा सौंप कर जा रही हूं, सबको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में सोचना है, कुछ भी करें, कविताएं लिखिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मान्या सिंह के नाम से, अगर कोई भी आप में से इंस्टाग्राम पे है मुझे टैग कीजिए, मैं उसको आगे शेयर करूंगी, ऐसे ही हमारा एक चेन बनेगा और देखिएगा गाइस पक्का इस रेवाड़ी में चेंज आएगा, हम लाएंगे, इज दैट ट्रू? थैंक यू सो मच। पर कभी कभी इतना दिल दुखता है जब ये पता चलता है कि हमारे रेवाड़ी का लिंग अनुपात हरियाणा में नहीं पूरे देश में सबसे कम है। Doesn't it make you sad, guys? जहां पे एक लड़की एवरेस्ट चढ़ जाती है आज वहां हमारे रेवाड़ी हमारा हरियाणा उसमें एक घर में एक बेटी को जन्म लेने के लिए भी लड़ना पड़ता है। मैं 3 साल की थी जब मैंने अपना पहला अवार्ड लिया था डांस में। आई एम अ सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे माँ बाप को कोई ना तो कोई और बेटा है ना बेटी है, क्योंकि मैंने उन्हें आज तक ये महसूस ही नहीं होने दिया कि एक बेटी हो या एक बेटा, बिकॉज लेट मी टेल यू दैट वन डॉटर इज इक्वल टू 100 सन्स। सबके बीच में ये वो लड़की हो नहीं, आज मैं आपके दिल से पूछने आई हूं कुछ, कैसा लगता है एक लड़की होने पर? डू यू ऑल फील प्राउड? कैन आई हियर इट लाउड? डू यू ऑल फील प्राउड टू बी अ डॉटर? सिर्फ इतना ही कि ये बात यहां तक रह जाए या उस हर घर तक जाए जहां पे एक लड़की अपने माँ बाप को आज भी समझा रही होती है कि माँ मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, माँ मुझे डांसर बनना है, माँ मुझे एक्टर बनना है, मुझे IAS बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाता है पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी ख्वाहिशों को दिल में दबा देते हैं, हम सब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, सबने सुना होगा ना ये वर्ड कॉम्प्रोमाइज। अरे ज्यादा आवाज ऊंची नहीं करते लड़की, आवाज ऊंची नहीं करती, क्यों? मैं तो दहाड़ूंगी। किसने बोला, किसने आपको ये समझाया कि एक लड़की ये नहीं कर सकती, एक लड़की वो नहीं कर सकती? अ गर्ल कैन टर्न द पेजेस ऑफ हिस्ट्री। तो लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि आप तो हरियाणा से हो, और फिर समझ में आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन अब आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन हमेशा यही होता है, वहां तो लड़कियों का लिंग अनुपात बहुत कम है। सच बताओ मेरे पास जवाब नहीं होता है, क्योंकि ये बात इतनी चुभती है कि ये आज भी है। एक मुहिम चालू की थी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब ये मुहिम स्टार्ट हुई थी तब भी बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता थे जो बाहर आए थे, लेकिन दुख इस बात का है कि वो मुहिम चालू होके एकदम से गायब हो गई, और हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गए अबाउट अ जेंडर रेशियो, पर फिर से कहते ना कि एक डंका बचता है, तो आज वही डंके ने हमें जगा दिया दोबारा कि हमारा जेंडर रेशियो फिर से गिर चुका है, और इस बार तो लीस्ट पे हम बॉटम 2 में आ चुके हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। बहुत दुख होता है इस बात को सुनकर, और बहुत बहुत स्टार्टिंग से मैं ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहती थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जब तक आपको प्रशासन का साथ नहीं मिलेगा
कि जैसे मैं 19 साल की हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ी एज नहीं है मेरी, तो कहीं ना कहीं एक बैकबोन चाहिए थी। जो बैकबोन मेरी अब डीसी सर बने, उन्होंने मुझे खुद बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू जो करना चाहती है इस मुहिम के लिए तू कर, और मैं आपके साथ हूँ। और कल परसों ही सर से बात हो रही थी और फिर हमने डिसाइड किया कि रेवाड़ी के जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, मैं वहाँ जाके लड़कियों में जो सेल्फ अवेयरनेस पहले क्रिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि जो एक स्टूडेंट पावर है हमारे देश की वो बहुत स्ट्रांग है। आर यूथ इज द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री, और कहीं ना कहीं हमारा यूथ अलग भटकता जा रहा है, तो मुझे उनको सबको लाइन पे लाना है और उन सबसे एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर आज हम देश के काम नहीं आ पाए तो फिर कब? शहीद भगत सिंह जो थे उन्होंने कितनी छोटी एज में इस देश के लिए जान दे दी थी, और हम तो फिर भी अपने घरों में मस्त अच्छे तरीके से रहते हैं, हमें खाना मिलता है, रोटी मिलती है, तब भी हम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे यूथ होने पर एक शर्म की बात है। तो बस वही है, मुझे वुमेन एम्पावरमेंट दोबारा जगाना है लड़कियों में, क्योंकि अगर हमारे देश की, हमारे डिस्ट्रिक्ट की एक एक लड़की जागरूक होगी अबाउट द जेंडर रेशियो ऑफ आर डिस्ट्रिक्ट, तो आई थिंक वो एक चेन बनता जाएगा और वो चेन कहीं ना कहीं पक्का से एक बदलाव लाएगा, जो मैं बिलीव करती हूँ। मैंने आप काफी छोटे थे जब से टीवी सीरियल्स में काम कर रहे हैं, बहुत दुख होता है। मैं अपने मम्मी पापा की सिंगल चाइल्ड हूँ, एक सिंगल डॉटर हूँ, और 3 साल की उम्र से मेरी माँ पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। 105 अवार्ड ऐसे ही नहीं आए, बहुत मेहनत है उसके पीछे, और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है जो सपोर्ट कोई मुझसे छीन नहीं सकता, वो सपोर्ट है मेरे माँ बाप का, और कहीं ना कहीं सर दोनों तरफ से होता है। अगर मैं नहीं करना चाहती तो उनका सपोर्ट जायज़ नहीं था, पर मैं भी करना चाहती थी। 8 साल की उम्र में मैंने अपना पहला शो किया था, और एक्टर बनना आज भी लोगों को जायज़ नहीं है लड़कियों के लिए कि हीरोइन बनेगी क्यों क्या रख, ऐसा नहीं है। कला का क्षेत्र है, भगवान कला बहुत कम लोगों को गिफ्ट में देता है, यू नो द गॉड गिफ्ट इट इज़ बहुत। और हमारे स्कूल की भी इतनी बच्चियों में आज नृत्य देखा, उनके पैर जो थिरकते हैं, ये पैर टेक्निक सीखने में हम लोगों को बहुत समय लग जाता है।